हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीक्वल कमांड की सिलेक्ट स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। इसे पिछली 3 वीडियोस में हमने देखा कि हम डाटाबेस के अंदर कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब डाटा को इंसर्ट करने के बाद हमारा तीसरा जो काम होता है कि हम डाटा को कभी भी देखना चाहते हैं तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो उसको देखने के लिए सीक्वल के अंदर एक स्पेशल कमांड आती है जिसे हम कहते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड की हेल्प से आप एक ही टेबल का डाटा अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। यहां देखिए, जिस भी आप टेबल का डाटा को शो करना चाहते हैं उसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट, फिर उसके कौन कौन से आप कॉलम का डाटा देखना चाहते हैं वो कॉलम्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम, और किस टेबल से देखना चाहते हैं उसके बाद आप उस टेबल का नाम लिख देंगे। इस तरह करने से उस टेबल का सारा डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे कॉलम्स के नेम डालने हैं, मगर अगर आप उस टेबल के सारे कॉलम्स का डाटा देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक स्पेशल कमांड होती है। बस आपको यहाँ पर कॉलम नेम की जगह पे यहाँ पर सिर्फ स्टार लगा देना है। स्टार का मतलब है कि उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं सबका डाटा आप शो करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि सिलेक्ट कमांड कैसे काम करती है। यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप होगा आपका वो है कि आपको एग्जाम सर्वर का कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, और यहाँ पर आपको अपाची और माई सीक्वल दोनों को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक इनका कलर जो है ग्रीन नहीं हो जाता। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पर जाके मेरे को सबसे पहले अपने कनेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास सामने सीक्वल का एडिटर ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास हमारा डाटाबेस दिख रहा है जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था, और इसके अंदर हमने एक टेबल भी बनाया था पर्सनल नाम से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके ये कॉलम भी दिख रहे हैं। अब इसके अगर मैं डाटा को शो करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर सीक्वल की कमांड लिखनी पड़ेगी सिलेक्ट। सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है कि हम सारे कॉलम्स का डाटा देखना चाहते हैं। उसके बाद मेरे को अपना कीवर्ड यूज करना है फ्रॉम, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे टेबल का नाम। तो देखिए, हमारे टेबल का नाम आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो है पर्सनल, तो उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद मैंने सेमीकॉलन लगाया और यहाँ पे मैंने थर्ड बटन पे क्लिक करूंगा एग्जीक्यूट पे। ये देखिए, पर्सनल टेबल के अंदर जितना भी डाटा था वो सारा हमारे सामने शो हो चुका है। इसके अंदर बेसिकली 6 रिकॉर्ड थे, आप सारे यहाँ पर देख रहे हैं, और जितने भी कॉलम्स थे वो सारे शो हो रहे हैं। तो ये सीक्वल का तरीका है कि अगर आप किसी भी टेबल का सारा डाटा देखना चाहते हैं तो उसके लिए लिखेंगे आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल का नेम है। और अगर आप इसमें से पर्टिकुलर कोई कॉलम नेम देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका तरीका क्या है, आप यहाँ पे स्टार की जगह पे उस कॉलम का नेम दे देंगे। देखिए, जैसे मैं आईडी, नेम और फोन देखना चाहता हूँ, तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा आईडी, उसके बाद मेरे को कॉमा लगाना है, नेम, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे फोन। तो देखिए, मैं 3 कॉलम का डाटा देखना चाहता हूँ इस वाले टेबल में से जिसका नाम है पर्सनल। अब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा और ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो डाटा आया वो सिर्फ 3 कॉलम्स का आया, मगर रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो सारे रिकॉर्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ 3 कॉलम का डाटा देखना चाहा तो वो भी हम कर सकते हैं, बस हमें सिलेक्ट के बाद उस कॉलम का नेम दे देना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आईडी, नेम स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, और फ़ोन नंबर भी जो है हमारा फ़ोन वर्ड है वो भी स्मॉल लेटर में ही लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको जो भी आप कॉलम का नेम है उसके बाद आप कीवर्ड यूज करेंगे जिसका नाम होता है एज। एज का मतलब होता है अलाइज, मतलब कि अगर आप इसके किसी दूसरे नाम से कॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं आई को बड़ा ले लेता हूँ और डी को छोटा। अब मैं नेम के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ एज, और यहाँ पर नेम की जगह लिख देता हूँ स्टूडेंट, जिससे मुझे पता लग जाए कि ये किस स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। और उसके बाद फ़ोन की जगह पर भी मैं कैपिटल पी ले लेता हूँ एज फोन। ये देखिए, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर लेना है कॉलम का नेम, जो भी कॉलम का नेम है, फिर एज लगा के जो भी मैं उसमें नाम दिखाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे देखिए, जो भी हमने नाम लिए हैं आईडी, स्टूडेंट और फ़ोन, देखिए पी कैपिटल लेटर में आ गया और आई भी कैपिटल लेटर में। और अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ 2 वर्ड का एक नेम, मतलब कि स्टूडेंट नेम, तो उसमें स्टूडेंट और नेम के बीच में स्पेस होगी, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स लेने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स शुरू किए और यहाँ पर लिखा नेम, और उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कोड यहाँ पे क्लोज कर दिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। इन्वर्टेड कोड्स आपको सिर्फ तभी लेने जब आप 2 वर्ड्स का कुछ नेम लिखना चाहते हैं यहाँ पर और उनके बीच में स्पेस भी है। तो देखिए, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और ये देखिए,
यहाँ पर ऊपर देखिए स्टूडेंट नेम लिखा आ गया कॉलम के नेम की हेडिंग के ऊपर। तो ये भी एक तरीका है अगर आप किसी डाटा टेबल का डाटा सारा शो करना चाहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम कंडीशनल बेस्ड अगर डाटा देखना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। देखिए जब भी हमें कंडीशनल बेस्ड कोई भी डाटा देखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना वेयर क्लॉज। यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल के लिए एक टेबल लिया है और इस टेबल में से मैं कोई कंडीशनल बेस्ड डाटा देखना चाहता हूँ। देखिए मैं सारे उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जो कि फीमेल हैं, जिनका जेंडर जो है वो है फीमेल। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डाटा शो होगा। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ फीमेल्स का डाटा शो हो रहा है, यहाँ देखिए दो ही फीमेल्स थी उनका डाटा यहाँ पे शो हो गया। या मान लीजिए मैं एक और कंडीशन बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जिनकी जो एज है वो 20 से कम है, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए सिर्फ दो ही ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी एज जो थी वो 20 से कम थी, राम कुमार और यहाँ पे सरिता कुमारी। तो इस तरह जब भी हमें कोई कंडीशनल बेस्ड डाटा देखना होता है तो उसके लिए हम सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज यूज करते हैं। वेयर क्लॉज को सेलेक्ट के अंदर लिखने का एक पर्टिकुलर एक तरीका होता है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सेलेक्ट स्टेटमेंट है और यहाँ पर हम पहले लिखेंगे सेलेक्ट फिर कॉलम्स के नेम। यहाँ पर हम स्टार भी लगा सकते हैं अगर हम सारे कॉलम्स का डाटा देखना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम फिर टेबल का नाम। इसके बाद हमारे को यहाँ पे स्टेटमेंट को बंद नहीं करना है, उसके बाद स्पेस देके हमारे को यहाँ पे लिखना है वेयर और उसके बाद हमारे को यहाँ पे एक लगानी है कंडीशन, जिस कंडीशन के हिसाब से हम डाटा देखना चाहते हैं। तो इस तरह ये हमारी सेलेक्ट की स्टेटमेंट बन जाएगी विद वेयर क्लॉज के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंडीशन बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ रही है जो माई सीक्वल हमारे को सपोर्ट करता है कंपेरिजन ऑपरेटर की, जिसमें सबसे पहला है इक्वल, फिर है ग्रेटर देन का साइन, स्मॉलर देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का, नॉट के दो ऑपरेटर हैं आप ये भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ या ये भी यूज कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन के साथ इज इक्वल टू, दोनों का ही मतलब होता है नॉट इक्वल। इसके बाद हमारा ऑपरेटर है बिटवीन, लाइक या इन। इन तीन ऑपरेटर्स को हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, अभी के लिए हम ये ऊपर वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनको कैसे यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ अभी मैं उसका आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। देखिए यहां पर मैं आ चुका हूं अपने MySQL वर्कबेंच में। अब यहां पर मैं पहले लिख देता हूं सबसे पहले सेलेक्ट लगा के स्टार, क्योंकि मैं यहां पर सारे कॉलम्स का डाटा देखना चाहता हूं और उसके बाद मैं लिखूंगा फ्रॉम फिर हमारा आ जाएगा टेबल का नेम और यहां पर मेरे को अपनी कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन के लिए मैं यहां पर एंटर लगा देता हूं, मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूं, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहां पे मैं अपना क्लॉज लगाऊंगा वेयर और उसके बाद मुझे लगानी है अपनी कंडीशन। तो देखिए मैं उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जिनका जेंडर जो है वो है फीमेल। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर अपने कॉलम का नाम लिखूंगा जेंडर और यहां जाके उसको कोट्स के अंदर लिख दूंगा एफ, क्योंकि मैंने एफ और एम ही सेव करवाए हैं तो एफ का मतलब है फीमेल। तो यहां देखिए मैंने कंडीशन लगा दी जहां पर जेंडर जो है वो इक्वल टू है एफ के और यहां पे मैंने एग्जीक्यूट किया। और यहां देखिए हमारे पास दो डाटा आ चुके हैं यहां पे, सेकंड आईडी और फोर आईडी, सरिता और जूही दोनों ही फीमेल हैं आपको यहां पे दिख रहे हैं। और अगर मैं यहां पे देखना चाहता हूं मेल्स का रिकॉर्ड तो मैं यहां पे लिख दूंगा एम। ये देखिए सारे मेल कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड यहां पे शो हो चुका है। अब मैं जैसे यहां पर दूसरा रिकॉर्ड दिखाता हूं आपको उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड जिनकी एज जो है वो 20 से कम है, तो उसके लिए मेरे को यहां पर कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा एज और उसके बाद मैं यहां पे अपना साइन यूज करूंगा लेस देन और उसके बाद यहां पर हमारे पास वैल्यू में जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20। 20 को मुझे कोट्स में नहीं लेना है क्योंकि जो एज हमारा कॉलम है इसकी जो डाटा टाइप है वो है इंट और इंट की कोई भी वैल्यू कोट्स के अंदर नहीं आती है। तो यहां पर मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और यहां देखिए यहां पर हमारे पास दो रिकॉर्ड आ चुके हैं, राम कुमार और जूही चावला, दोनों की एज जो है वो 20 से कम है। और अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड देखना चाहता हूं कि उन सब का रिकॉर्ड दिखा दे मेरे को जिनकी एज 20 से कम है या 20 के बराबर है, तो मेरे को यहां पे लगाना है लेस देन इक्वल टू। मैंने यहां पर क्लिक किया और ये देखिए 20 वाला जो स्टूडेंट है सलमान खान उसका भी रिकॉर्ड यहां पे शो होने लग गया। और बिल्कुल इससे अगर मैं उलट रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जिनकी एज जो है वो 20 से ज्यादा है तो यहां पे मैं लगा दूंगा ग्रेटर देन का साइन। यहां देखिए तीन रिकॉर्ड आ चुके हैं, सरिता, अनिल और जॉन, तीनों की जो एज है वो 20 से ज्यादा है। अब इसके बाद मैं आपको नॉट ऑपरेटर यूज करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जिनका सिटी आगरा नहीं है, मतलब कि जो आगरा के रहने वाले नहीं है, तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा सिटी और ऑपरेटर की जगह पे यहां पे नॉट इक्वल टू साइन दे दूंगा, ये देखिए, और यहां पे दे दूंगा सिटी का नाम और सिटी का नाम है जैसे आगरा।
तो ये मेरे को जो शो करने वाला है उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड शो करेगा जो आगरा के नहीं है। नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए दिल्ली भोपाल दिल्ली, तो ये वो सारे स्टूडेंट हैं जो आगरा के रहने वाले नहीं हैं। और अगर मैं आगरा के देखना चाहता तो सिंपल यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देता। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आगरा के स्टूडेंट आ चुके हैं। जो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है वह मैं दूसरा साइन भी यूज़ कर सकता हूँ जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन इकट्ठे ही होते हैं। ये ऑपरेटर भी नॉट इक्वल टू साइन का ही काम करता है, तो इस पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे दिल्ली भोपाल दिल्ली। और इसमें भी अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक कॉलम की वैल्यू देखना चाहता हूँ वो भी मैं देख सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैं दो कॉलमों की वैल्यू देखना चाहता हूँ, आईडी और नेम, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और लिख दिया नेम, एग्जीक्यूट किया, तो देखिए सिर्फ दो ही कॉलम्स आ चुके हैं, उनके नेम दिखा रहा है जो आगरा के नहीं हैं। तो ये थी बेसिकली हमारी स्टेटमेंट सेलेक्ट विथ वेयर क्लॉज। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम वेयर क्लॉज को और भी कॉम्प्लेक्स सर्चिंग में यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।